फैक्ट प्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस घंटी को जरूर दबाइए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डोमिनोज पिज्जा के बारे में। डोमिनोज पिज्जा की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर एक छोटी सी पिज्जा दुकान से की थी। डोमिनो का फाउंडर टॉम मॉनगन को माना जाता है, जिनका जन्म 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिचिगन में हुआ था। लेकिन पिता की मौत के बाद उनका ज्यादातर बचपन अनाथालय और रिश्तेदारों के घर पर बीता। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से अपनी स्टडी की फीस का जुगाड़ करते रहे और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद छोटी मोटी नौकरी भी की। छोटी मोटी नौकरी से इकट्ठे हुए पैसे और करेज लेकर उन्होंने अपने भाई के साथ पिज्जा की दुकान खोली और उसका नाम डोमिनिक्स रखा। मगर उनके भाई ने उनका साथ जल्दी ही छोड़ दिया। असल में वो दुकान के साथ साथ जॉब भी करते थे और उन्होंने रिस्क लेना सही नहीं समझा। पता नहीं कब दुकान बंद हो जाए। जेम्स के जाने के बाद वो अकेले ही दुकान को मैनेज करने लगे और होम डिलीवरी भी करने लगे और अपने बिजनेस को 8 गुना तक बढ़ा दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मेन्यू में काफी तरह के पिज्जे रखे और लोगों ने इन सभी को बहुत पसंद भी किया। जैसे जैसे फायदा बढ़ा, टॉम ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया और 1965 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम डोमिनोज पिज्जा कर दिया। और उसी साल उन्होंने दो और स्टोर खोले और उन्होंने अपने लोगो को 3 डॉट्स में दिखाया। उन्होंने सोचा जितने स्टोर्स बढ़ेंगे उतने ही वो डॉट्स बढ़ा देंगे और देखते ही देखते उनके स्टोर्स बढ़ने लगे। मगर इतने डॉट्स को बढ़ाना संभव नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण 1968 में उनके स्टोर में आग लग गई। मगर वो किस्मत को दोष नहीं देते थे और उसी साल उन्होंने दो और स्टोर खोले। मगर दोस्तों, 1970 में कुछ कानूनी दिक्कतों की वजह से डोमिनोज घाटे में जाने लगी। मगर टॉम हार मानने वाले नहीं थे और 1973 में 30 मिनट गारंटी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ने लगे। फिर 1978 में डोमिनोज के 200 स्टोर खुल गए और अब तो दोस्तों डोमिनोज के 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स 75 कंट्रियों में है। 2007 में डोमिनोज ने ऑनलाइन और मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की और अगले साल ही पिज्जा ट्रैकर के जरिए लोगों को ऑर्डर ट्रैक करने के लिए सुविधा भी दी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी कहानी लगी होगी और ऐसी ही और भी मोटिवेट करने वाली कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।